मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार घुमक्कड़ी और जिज्ञासु प्राणी है। वह प्रकृति के गर्भ में पल रहे हर रहस्य को सुलझा लेना चाहता है, लेकिन दुनिया में रहस्यमयी, अविश्वसनीय और अद्भुत स्थलों की कमी नहीं है। विज्ञान भले ही मनुष्य को चांद तक पहुंचा चुका है, लेकिन प्रकृति के हर रहस्य को समझना और उसे सुलझाना आज भी असंभव है। घूमना, नई जगहों के बारे में जानना और उन्हें करीब से देखना किसे पसंद नहीं होता। हमें टेक्नोलॉजी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसने दुनिया को सीमित बना दिया है। यदि आपके पास पैसा है तो आप विमान ले सकते हैं, एक रोमांचक सफर का खांचा खींच सकते हैं और 24 घंटे के भीतर दुनिया के अधिकांश स्थानों पर पहुंच सकते हैं। इसके बावजूद दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी जगहें हैं जहां आम आदमी का जाना मना है। कुछ जगहों को जीव जंतु और पर्यावरण को बचाने हेतु प्रतिबंध किया गया है, कुछ जगहों को गुप्त सैन्य स्थानों के कारण, तो कुछ जगह ऐसे भी हैं जो बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे स्थानों की यात्रा करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको 9 जगहों के बारे में बताएंगे जहां इंसान को जाना सख्त मना है। एरिया 51। एरिया 51 एक मिलिट्री इलाका है जो अमेरिकी शहर लास वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी सुरक्षा स्वयं अमेरिकी सरकार करती है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियन पर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार UFO को वहाँ उड़ते देखा है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। आसमान से अगर इस द्वीप का नज़ारा लिया जाए तो यह किसी भी आम आइलैंड की तरह एकदम शांत और खूबसूरत है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसा है जिससे न तो पर्यटक और न ही मछुआरे इस द्वीप पर जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। प्रशांत महासागर के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक रहस्यमय आदमी जनजाति बसेरा रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप पर रहने वाले इस आदमखोर जनजाति का अस्तित्व 60,000 वर्ष पुराना है। इन द्वीप के वासियों के निकट जाने का अर्थ है अपनी जान जोखिम में डालना। किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए इनके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी, इनकी संख्या, इनका रिवाज, इनकी भाषा, इनका रहन सहन आदि कैसे हैं, क्या हैं, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। वेटिकन संग्रहालय। वेटिकन का यह संग्रहालय अत्यंत ही गुप्त है। यहाँ 8वीं शताब्दी के दस्तावेज एवं अन्य गुप्त वस्तुएं गहरे अंधकार में एक गोदाम से सुरक्षित रखी गई है, ताकि इन गुप्त दस्तावेजों तक सभी की पहुंच नहीं हो सके। वेटिकन के संग्रहालय के बारे में कहा जाता है कि आज भी यहाँ कई प्रकार के लोगों की आत्मा भटकती है। सांपों का द्वीप। इस आइलैंड में दुनिया के सबसे ज़्यादा सांप रहते हैं, इतने कि इंसान का वहाँ रहना तो दूर जाना तक मना है। यह द्वीप ब्राज़ील में है। इस द्वीप को स्नैक आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ सांपों की 4,000 प्रजातियाँ मौजूद हैं। बताते हैं कि जो कोई वहाँ गया है वह जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। इसके चलते ब्राज़ील सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए इस द्वीप पर जाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। मजह गोरे। यह पूरा का पूरा कस्बा ही अजीब रहस्यमय है। यह बस्कोस्तान गणराज्य रूस में स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ रूस या तो कोई न्यूक्लियर योजना चला रहा है या फिर कोई युद्ध बंकर बनाया गया है। यह भी हो सकता है कि यहाँ पर रूस का खजाना हो। बेहद खास होने के कारण इस जगह की सुरक्षा स्वयं रूसी सरकार करती है। यह आम लोगों के लिए प्रतिबंधित जगहों में से एक है। डेथ वैली। डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है, एक रेगिस्तान है।
यह उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। यहाँ पर तापमान 130 डिग्री ग्राम तक पहुँचना सामान्य बात है। ऊपर से यहाँ पानी का नामो निशान देखने को नहीं मिलता। डेथ वैली की खिसकते पत्थरों का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए पहेली बना हुआ है। इन सब की वजह से इंसान के लिए इस जगह पर जिंदा रह पाना नामुमकिन है। फोर्ट नॉक्स। फोर्ट नॉक्स अमेरिकी की एक सैनिक पोस्ट है। यहीं पर स्थित है बुलियन डिपॉजिटरी, जहां पर अमेरिका का सारा सरकारी खजाना सोने के रूप में रखा हुआ है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि अभी तक धरती से जितना भी सोना निकला होगा उसका लगभग 5% सोना यहाँ मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की सुरक्षा में सेंध लगाना नामुमकिन है। मुख्य इमारत की 4 फुट मोटी ग्रेनाइट से बनी दीवारें किसी भी परमाणु बम का हमला झेलने में सक्षम है। 22 टन के दरवाजे से अगर अंदर भी घुस गए तो वॉल्ड तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि यहाँ पर 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं है कैमरे में कैद ना होती हो। बुमेरा। बुमेरा क्षेत्र एक ऑस्ट्रेलियाई सैन्य परीक्षण रेंज है जो 1,22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की मिट्टी में भारी मात्रा में सोना, लोह, आयरन और ओपल का भंडार है। इसके अलावा यहाँ युद्ध सामग्री का एक बड़ा भंडार है। यह जगह लगभग इंग्लैंड के बराबर है, जिसकी सुरक्षा ऑस्ट्रेलियाई सरकार करती है। जियांगसु राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा संग्रहालय। चीन के इस नेशनल स्पा म्यूजियम को देखकर आपको जेम्स बॉन्ड की जासूसी फिल्में याद आ जाएंगी। अगर आप कभी इस संग्रहालय में जा सके तो आप बहुत सारे जासूसी गैजेट्स जैसे लिपस्टिक गन, नक्शे आदि देख पाएंगे जो युद्ध में काम आते हैं। हालांकि यहाँ जाने के लिए सिर्फ चीनी व्यक्तियों को अनुमति मिलती है और किसी भी विदेशी के लिए यह संग्रहालय बंद है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छी और रोचक जानकारी के साथ। Thank you for watching. Bye bye and take care.